मैं आशुतोष कुमार ठाकुर कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल की ओर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का जो ये मिस्टिक इंडिया का सत्र है, जिसमें मृत्युंजय कुमार सिंह और श्री प्रबुद्ध बनर्जी द्वारा सांगीतिक प्रस्तुति का है, मैं KLF मिस्टिक इंडिया आयोजन समिति की ओर से अपने दोनों विशिष्ट अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ सर। मित्रों, मैं मृत्युंजय कुमार सिंह और प्रबुद्धा बनर्जी जी का संक्षेप में परिचय कराना चाहूंगा और तदुपरांत मैं कार्यक्रम की बागडोर मृत्युंजय जी को हस्तगत करूंगा। मृत्युंजय जी पश्चिम बंगाल कैडर के एक वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, जिन्होंने इतने मनोयोग से अपने सरकारी उत्तरदायित्व का निर्वाह किया है, उतनी ही ऊर्जा और लगन से साहित्य और संगीत से जुड़े रहे। कभी ऋतुपूर्णो घोष के बंगला सिनेमा चोखेर बाली के लिए गीत लिखा और गाया, कभी अरिंदम नंदी के भाया दार्जिलिंग या सुमन मुखोपाध्याय के चतुरंग के लिए गीत लिखा, तो कभी अपने स्वरचित भोजपुरी लोकगीतों को लेकर गयाना और मॉरिशस भी गए, और कभी नाटक देवसभा तो कभी कहानी जहूर मियां। बहुआयामी है इनकी प्रतिभा और इनकी अभिव्यक्ति। महाभारत की एक खंड कथा को लेकर जावा नृत्य और भारतीय कथक एवं छाऊ के संयोग से इन्होंने इंडोनेशिया में हुए भारतीय फेस्टिवल में शिखंडनी संगीत का नृत्य मंचन भी किया है। इनका भोजपुरी उपन्यास गंगा रतन विदेशी और उसका हिंदी अनुवाद भी भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली से प्रकाशित है और कविता संग्रह आस के आभास शिल्पायन प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित है। इन्होंने कालिदास के मेघदूत का हिंदी गेय छंद और अंग्रेजी में रूपांतरण भी किया है। मेघदूत विरह का दूत राजकमल प्रकाशन से आई है और अंग्रेजी में मेघदूत द इमेजरी ऑफ सन्डरेंस ट्रेफर्ड पब्लिकेशन यूनाइटेड स्टेट्स से आई है। संप्रति मृत्युंजय सर अभी द्रौपदी पर एक खंड काव्य की रचना और गंगा रतन विदेशी के ऑडियो बुक में पे काम कर रहे हैं। वर्तमान में मृत्युंजय सर कमांडेंट जनरल एंड डायरेक्टर जनरल होम गार्ड्स हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में। सर, पुनः स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस, सिंस आई है शॉर्ट बायो ऑफ श्री प्रबुद्धा बनर्जी सर इन इंग्लिश, हेंस आई वुड लाइक टू रीड इट इन द सेम लैंग्वेज। प्रबुद्धा सर हैज ट्रेंड इन वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन सिंस चाइल्डहुड, passed out as a mechanical engineer from prestigious Jadavpur University, Kolkata. After 18 years of corporate life, quit his job to become a full-time music composer director in 2003. He was invited to the International Film Festival Rotterdam as a sound engineer and music director in 2011. He has been a prominent figure in the Kolkata advertising world and winner of Creative Awards 2015. Excellence behind the scene from advertising club, and he has given music direction in more than 28 films so far. Prabhudha Banerjee has received the prestigious Filmfare Award for the best music score in 2013 for a Bengali film Foreign, best music score award winner in SAK International Film Festival in 2018 for Bengali film Nagar Kirtan, and the best background score music winner in West Bengal Film Journalist Association in 2020 for Bengali film Nagar Kirtan. Prabhudha Banerjee is a music director of Bengali feature film Mayar Janjal, Debris of Desire, which was selected and got premiered in Shanghai and Moscow International Film Festival. Of late, he has given music of a Hindi feature film Nazar Band, which was selected and got premiered in Busan International Film Festival. Sir, welcome and thank you for accepting our request and participate in Mystic India. It's a truly an honor to read such a wonderful profile. मित्रों, अब सभी से आग्रह है कि हमारा कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल के फेसबुक पेज, ट्विटर और यूट्यूब को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ जो मित्र हमें आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो कृपया हमारी स्क्रीन पर आ रहे इंस्टा मोजो में जाकर कुछ डोनेट कर सकते हैं। मित्रों, अब मैं मृत्युंजय सर को आमंत्रित करता हूँ और कार्यक्रम की बागडोर सौंपता हूँ सर। धन्यवाद सर, प्लीज। आभार, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आशुतोष जी। कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल मिस्टिक इंडिया के इस भाव संवाद चैप्टर में हम लोगों को आमंत्रण आपने दिया है और हम दोनों, मैं और प्रबुद्ध बनर्जी मेरे साथी, दोनों ही बहुत
अनुग्रहित हुए हैं कि हम लोग आप लोग के सामने हैं। अखिया मेरा हरा पदरा से जैसे जाके चंदा रा तोहरी सुरतिया में अखिया मेरा हरा पदरा से जैसे जाके हमारा से भागे लागल हमरे पर छाई हमारा से भागे लागल हमारा से भागे लागल हमरे पर छाई तो मटिया से तुम्हारे रूप हम सजाए दिन दिन टूटल जाना आप सबको मेरा प्रणाम, संगीत भरा प्रणाम। प्रबुद्धो और हम निश्चित रूप से आप लोग जानना चाहेंगे कि एक पुलिस अधिकारी और एक व्यवसाय से, प्रोफेशन से अपने संगीतज्ञ और संगीतकार कैसे, ये मिल जुल कैसे हुआ। तो छोटे में आपको बता दें संक्षेप में कि
आज से 16 साल पहले तकरीबन 2 दशक होने को आए, एक एनडीएफसी की एक फिल्म वाया दार्जिलिंग में दो गीत लिखने के लिए मुझे कहा गया था, और उन दो गीत उस फिल्म के संगीत निर्देशक और परिचालक और सब कुछ संगीत के प्रबुद्ध बनर्जी साहब थे। निर्देशक जो थे, तब तक मैं उनको नहीं जानता था, निर्देशक जो थे उनको लेकर आए मेरे पास और इनसे बातचीत करते, पता नहीं कैसे एक कॉर्ड होती है। आज निर्देशक अरिंदम नंदी ऐसा नहीं कि हमारे दोस्त नहीं है, लेकिन उनसे शायद ही मुलाकात कभी होती है, लेकिन हम ऐसे दोस्त प्रगाढ़ बने। वाया दार्जिलिंग फिल्म के लिए ऐसी स्थिति थी कि एक सप्ताह के अंदर हमें गीत लिख कर तैयार करके सब कुछ देना था, और प्रबुद्ध बनर्जी के साथ बात हुई। उसमें दो गीत जो मैंने लिखे थे, मैं प्रबुद्ध भाई को रिक्वेस्ट करूंगा कि उसके दो दो लाइन लोगों के लिए मैं सुना देता हूँ। ऐसे ना तो मैं चित्रा साउथ इंडिया के जो सिंगर हैं, चित्रा की तरह का गायक हूँ ना गाने वाला, लेकिन बस सुर में गाके। एक गीत का गायक आज मुझे चित्रा ने गाया, वो सुनकर जम से कूदी बारिश आई, घर में बजती वो सुनकर जम से कूदी बारिश आई, संग उड़ती कुछ तुम्हारे तितलियों से आके बैठी मेरे घर पे, जैसे वो कुछ कहने आई। और इतना डिफरेंट है इसका कंपोजिशन, मैं किस तरीके से आपको सुना था कि आपको लगे तो कभी देखिएगा सुनिएगा ये गीत ऐसा हो गए। और दूसरा गीत का पुराना गाना जब हमने कहा ये जो गाना भी थोड़ा सा विपिन जी ने सुनाने जा रहे हैं कि इसका धुन आगे बन चुका था और मैं ऐसे ही उनके पास जाके ऐसे ही गुनगुना था, तो क्या हुआ कि 5 मिनट के अंदर वो धुन के मुताबिक जैसे जैसे शब्द का स्कैन जैसे जैसे होना चाहिए, उन्होंने 5 से ज्यादा 7-8 मिनट होगा ये पूरा गान उन्होंने लिख दिया था, लेकिन धुन पहले बना था और उसी के ढंग में वो शब्द को रचित किया। कोई रास्ता नहीं है, किसी आस से कोई रास्ता नहीं है, चला तुझे जानो के कारवां में तो चलिए अपने आपसी हम तालमेल का परिचय देते हुए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे एक गीत पर जो इनका जैसे बहुत बड़ा समस्या है। ये रिहर्सल करते हैं एक चीज और जब लाइव में जाते हैं करते हैं दूसरा चीज। ये दोनों गान तो हम लोग का बात ही नहीं था करने के लिए, अचानक इसको ढूंढा घुसा दी इसको, याद आ गई तो कैसे इसको छोड़ दे। बहुत इम्पोर्टेंट था लोगों के साथ शेयर करना, दोस्तों के साथ इतने लोग हैं आपके बारे में जानना भी चाहेंगे। तो ये जो गीत है हमारा, सच पूछिए तो अगर आप लोगों ने यूसुफ कवाल को सुना होगा बहुत पहले,
जब ये वुमेन लिबरेशन की अपने पूरे उफान पर था एक समय में 70s, लेट 70s, 80s, तो उन दशकों में एक बड़े परेशान हाल कुछ गीत लिखे गए थे। हमारे जो महिला मित्र दोस्त सब लोग हैं आर्य और दर्शक श्रोता, इसे बुरा न मानेंगे, मजाकिया तौर पर मैं कह रहा हूँ। तो उस समय यूसुफ कवाल ने एक भोजपुरी में एक ये कवाली जैसा एक गीत तैयार किया था जिसके बोल थे, इनकर बिगड़ल बात चंदनिया कैसे सफल। उसी सुर को लेकर हम लोगों ने ये गीत बनाया। इससे राजनीति को कतई न जोड़े, यह बिल्कुल ही लोकगीत की तरह का गीत है। थोड़ी बहुत हम लोग सामाजिक करते हैं, हम लोग भोजपुरी में भी लोकगीत में समाज न हो तो लोकगीत कहा गया। कर बिगड़ल बाचलनिया कैसे सुधरी, कोई कर बिगड़ल बाचलनिया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी, कर बिगड़ल बा कर बिगड़ल बाचलनिया कैसे सुधरी, पहले रहन की हम आयुता भर में हर भरिहार, सब वादा करेला सब वादा करते हैं, पहले रहन की हम आयुता भर दे हर भरिहार, लेकिन ऐसे लीला कैले मर गईले किसान, देखा जिंदगी का चलिया कैसे सुधरी, जिंदगी का चलिया कैसे सुधरी। बिगड़ल बाचलनिया कैसे सुधरी, इनकर बानी आम के जैसन मनवा ढोला नियन, इनकर बानी आम के जैसन मनवा ढोला नियन, दाल भात का जुड़के देखे कहाँ से लाइन तीना ले लिया, लबरा के दो कन्हैया कैसे सुधरी, लबरा के दो कन्हैया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरी, रे लबरा चलनिया कैसे घाट घाट के पानी पी के कैले राज के सेवा, घाट घाट के पानी पी के कैले राज के सेवा, हमनी के जुटल नहीं बेटी के कलेवा, सैतनिया कैसे सुधरी, दल के सैतनिया कैसे सुधरी, कैसे सुधरी ओ भैया कैसे सुधरी, कर बिगड़ल बाचलनिया कैसे सुधरी, देह बना के फुला के छाती हो गई बेमरदाना, देह बना के फुला के छाती बन गई बेमरदाना, घर में मुसरी डंड पे लटवा छटपट करे जनाना, कैसे
चलनिया कैसे सुधरी। धन्यवाद आप लोग को। मेरा ख्याल है ठीक ठाक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। हमारी ऑनलाइन ये डिजिटल फॉर्मेट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को देख नहीं पाते, किसी को देख नहीं पाते, साफ चैट है, यहाँ से पढ़ नहीं पाते, पूरा का पूरा आंखों में चश्मा लगा है, उम्र हो गई है, क्या बताएं। संगीत है जिसने पकड़ कर रखा है तो चल रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स बाद में पढ़ लूंगा, मुद्दे को भी बताऊंगा, अच्छा बुरा जैसा भी हो जरूर बताएं। हमें सीखना है जीवन भर और सीखते सीखते यहाँ तक आए हैं, आगे भी सीखेंगे। अब हम लोग आपस में, हम बुद्धो दोनों चलते रहे, आगे बढ़े, और दोनों से एक दूसरे से कैसे प्रेरणा की स्रोत फूटती है। अब मैं कहना चाहूंगा कि प्रभुद्धो भाई एक बताएं, एक कैसे लोक गीत एक सूत्र से दूसरे सूत्र में बना होता है। विश्व के सारे लोग, चाहे वो मेडिटेरेनियन का हो, चाहे यूरोपियन हो, साउथ एशियन हो, इंडोनेशियन हो, थाईलैंड का हो, वियतनाम का हो, कोरिया का हो, बांग्ला का हो, भोजपुरी का हो, अवधी, ब्रज, बघेली, कुछ भी हो, संथाली, सब जगह। तो एक कथा के साथ हम शुरू करते हैं जो प्रभुद्धो भाई को बताएंगे। अक्सर ये गाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, बहुत अच्छा गीत है। छोटी मोटी बात है तो मैं हिंदी में कर लेता हूँ, लेकिन ये जो कहानी, मुझे माफ कर देना, मेरे को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। आप जरूर बोलिए। धन्यवाद। This is a very traditional Korean folk song, and there is a story behind it that once upon a time in Korea, there was a very despotic king who was very intolerant, like many of the present politicians today in our whole world, in fact. And he could not tolerate any criticism or whatsoever, and anybody who dared to speak against him, that person was hanged to death on the top of a mountain. There was a tall pine tree, and the revolutionary would be hung from the top of the pine tree. The name of that mountain was Ariram. And it is said that this despotic king, he killed more than 10,000 people. And just like this, once when one of the revolutionaries, he was being taken to be hung to death, that man started singing a song. It was a song about the mountain Ariram, where that pine tree was there, and about his own country, how beautiful that country was, and how sad he was feeling that he had to leave so early because he'd been killed by the king. Now, this became a tradition later on that whenever somebody was about to be executed on top of that mountain, that person would start singing this song, and people far away from the village would understand that today one more killing is going on. So while there was a song about the beauty of the land, about the mountain, it was actually signifying that somebody was about to be very brutally killed. In 1592, Japan took over Korea. It had been withholding Korea for 6 years, 1592 to 1598. And at that time, Japan had banned all sorts of songs, including the national anthem of Korea. And at that time, people used to sing this song, all the guerrillas, the revolutionaries, everyone. And this song almost took the stature of an alternative national anthem of Korea. And even today, I mean, if you go to the YouTube also, you will find that young children, they are being taught by their grandparents this song to maintain that tradition and to remind them of the history of how Korea once upon a time was ruled by a despotic king. Later on, it was aggravated by another country, and finally they could wrest their freedom. And today, Korea is one of the very technically advanced, technologically advanced countries, and it's a free country. The name of the mountain is Ariram, and the song is Ariram, Ariram, Ariram. It has been sung in very many ways, and the tune has kept on changing. Words have been added to it, just like any other folk song. To shuru karte hain. Ariram, Ariram,
Hare Ram. In this land of love, Hare Ram, Hare Ram, Hare Om. In the mountains of Hare Ram, in this land of Most of the mountain folk songs, they have a common tunes and a common structure. It is based on the Indian rag Bhubari. No matter wherever you go, wherever these are folk songs from the mountain, it is basically this pentatonic scale. बंगाल में इसकी तो शायद हर आदमी जो बंगाल में रहता जाता है बाहर भी आते हैं। लाल पहाड़ी देशे जा रंगा माटी देशे जा लाल पहाड़ी देशे जा रंगा माटी देशे जा कुकी मनाई चला दे इक्के बारे मनाई चला दे लाल पहाड़ी देशे जा लाल पहाड़ी देशे जावे लाल पहाड़ देशे जावे हरियार मगर पावी देवर देवा कर पावी देखा आपने एक कोरियन गीत के साथ एक बंगाल अपने स्मृति के लोकगीत का सामिप्य एक सूत्र में लगभग ऐसा है एक ही राग भोपाली में बचे हुए दोनों गाए हुए दोनों गीत है दोनों के पेथोस एक ही तरह के हैं आत्मीयता इसके अग्र की करुणा कातर हृदय से जो भावना आई है सब समान है। अब इसके साथ हम फिर से लौटते हैं एक और गीत पर जिस पर कि आप थोड़ा एक मजेदार गीत सुना दीजिए वो गंभीर गंभीर चल रहा था अब थोड़ा एक मजेदार गीत सुना दीजिए आप हमारे भोजपुरी के जो मेरे साथी दोस्त अजीज दोस्त हैं बड़े बुजुर्ग हैं हम भी खुद बुजुर्ग हो गए बड़े बुजुर्ग क्या बोलेंगे छोटे हैं बच्चे हमारे सब दोस्त साथी उन लोगों में बड़ी इस गीत के बारे में बार बार मुझे फरमाइश आती रहती है तो गीत मैं सुना चाहता हूँ ये गीत हमने अपने उपन्यास गंगा रतन विदेशी में भी इस्तेमाल किया है और अपने ऑडियो बुक में भी प्रबुद्ध के साथ जो बना रहे हैं हम उसमें गीत पूरे पूरे गीत के रूप में आएगा टिकुली से टिकुली बदल ले नगदी बदल ले भौजी खुदों से बदल ले ननद और भौजी ये दो शब्द तो सबको पता होंगे ये ननद और भौजी के बीच की टिकोली है जहाँ ननद भौजी को कह रही है और भौजी ननद से कह रही है कि हम लोग आपस में अपने पतियों को स्वाप कर लेते बदल लेते और दोनों में कैसे टिकोली में कितनी सीरियस कितनी गंभीर हमारी सामाजिक बातें और पारिवारिक बातें कही जाती हैं वो इस गीत में आप सुनेंगे
टिकुली से टिकुली बदलिए भौजी, टिकुली से टिकुली बदलिए भौजी, टिकुली से टिकुली बदलिए भौजी, मैसेज दिख रहा है प्रभुत्व का एक सिर्फ प्रभुत्व दा नमस्कार नमस्कार प्रभुत्व ये गीत है जिसके भोजपुरी में बहुत पुराने गीत है जिसको गाते हैं लोग गाते थे। अभी बहुत सारे हमारे ऐसे भोजपुरी के गीत संकलित हैं हमारे यहाँ भोजपुरियों में थोड़ी सी इस चीज की कमी है जो बंगालियों में ज्यादा है। घर घर में लोग अपनी साहित्य की संस्कृति को संगीत की संस्कृति को लोकगीतों की संस्कृति को पढ़ते लिखते हैं याद करते हैं। हमारे यहाँ चीजें धीरे 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 लुप्त होती चली जाती है कहीं रहती है कागज पर पड़ी जिस पर लोग शोध करते रहते हैं लेकिन काफी सारे गीत हमारे ऐसे खो जाते हैं। हम चेष्टा कर रहे हैं कि इनमें से कुछ गीतों को आपके सामने रखें जीवित रखने के लिए। अगला गीत केवल इसलिए है यहाँ पता नहीं मैं कितनी खूबसूरती से उसको गा रहा हूँ क्योंकि हमारे ऑडियो बुक में एक ऐसा स्थान आया जहाँ की ये ओरिजिनली मेरे उपन्यास में यह गीत नहीं है लेकिन एक ऐसा स्थान आया जहां somebody is making joke farmer sir you have made swapping such fun oh please don't get wrong ideas anyway so ये गीत है एक कबीर कबीरी भजन है ये वो हम कोशिश करेंगे अपने तरीके से ये कबीर की ये भजन सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही कबीर की मूढ़ से मूढ़ रहस्य में जो दर्शन होते थे मनुष्य के जीव और आत्मा के बीच और कर्म के बीच वह इस नंबर कर आया है दो पैराग्राफ हम गाने की कोशिश करेंगे भजन है और किस स्टाइल में इसको पेश कर रहे हैं प्रभु तो भाई
कहत कबीरा सुनो भाई साधु कहत कबीरा सुनो भाई साधु जाए अजब दीवानी जाए अजब दीवानी दिल भर जोड़ नजर भर देखी दिल भर जोड़ नजर भर देखी अजर कमर पूरी शांति एक कबीरी भजन जिस पर की गिटार बिल्कुल ही फ्लूट स्टाइल में बजा है। हमें क्या बताऊं, ये इसको फ्यूजन नहीं कहते, लोग इसको फ्यूजन समझते हैं। सच पूछिए कहिए तो फ्यूजन का अर्थ जो है शाब्दिक अर्थ वो शायद इसको परिभाषित कर भी दे, लेकिन उन परिभाषाओं से ऐसे गीतों को फ्यूजन की श्रेणी में या वर्ग में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि ये भावों का तालमेल, भावों का विनिमय, भावों का आदान प्रदान है जो कहां से कहां चला जाता है कहना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि फ्लेमिंको जो डांस का स्टाइल है वो कथक से उभर कर आया है, कि यहाँ से भारत से काफी सारे लोग जिप्सीज जो गए वहां पर और बस गए, उन लोगों ने बाहर शहर के बाहर रहा करते थे छोटी छोटी बस्तियों में, उन लोगों से यह फ्लेमिंगो स्टाइल उभर कर आया है, तो कहीं ना कहीं सूत्र जुड़ा हुआ है। गुंजन श्री क्या कह रहे हैं, तार सप्तक में आपका सुर लगना अच्छा लगता है मुत्युंजय सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी तरीके से अब तक तार सप्तक चला रहे हैं, तार सप्तक कब तक चलेगा भगवान जाने, सब ईश्वर की कृपा, सब ईश्वर की कृपा है। शारदा जी नमस्कार, आपने भी कहा कुछ। शारदा जी नमस्कार नमस्कार। आगे का गीत है, यह गीत फिर से मेरे भोजपुरी भाइयों के बीच में बहुत ही आदर और सम्मान और सत्कार मिला है इस गीत को, इसलिए मैं इस गीत को गाना चाहूंगा, क्योंकि इस गीत यह गीत हमारे इतिहास के एक ऐसे प्रसंग से जुड़ा है जिसके बिना शायद भारत में न तो असहयोग आंदोलन हो पाता न सबने अवज्ञा आंदोलन हो पाता। गांधी जी को एक तरह से कहिए तो गांधी महात्मा गांधी बनाने में उस नील आंदोलन का बात है जो चंपारण से शुरू हुआ था। नील की खेती जसोर और यहाँ नदिया के बंगाल के नदिया में भी होती थी नील की खेती, लेकिन जो कुछ भी कहिए साहब लोग यहाँ बैठते थे, इंडिया प्रशासनिक इनका कार्यस्थल था, हेडक्वार्टर था इनका, तो काफी यहाँ पर आपके जिसके नाम पर सड़क है अभी भवानी प्रसाद मुखर्जी, उनके अपील पर नील की खेती इन जगहों पर बंद कर दी गई, लेकिन चंपारण के लोग और वहां सारण चंपारण लोग यहाँ मुजफ्फरपुर को कौन देखता है, वहां नील की खेती चलती नहीं, उसे शोषण अत्याचार, उसी शोषण अत्याचार में को लोग गाते थे और उसी शोषण अत्याचार की भावना को लेकर यह गीत मैंने लिखा है और हम लोगों ने इस गीत को तैयार किया है। यह भी गंगा रतन
अंग्रेज विदेशी में नहीं है, लेकिन ऑडियो बुक में वो उस प्रसंग के साथ आएगा। तो ये गीत है हरियर धनवा के नील भरी खेतिया सुना है लोगे ये दुख भरल बतिया, दुख की कथा है, मुझे आप सबको पसंद आएगी। हरियर धनवा के हरियर धनवा के नील भाई खेतिया नील भाई खेतिया हरियर धनवा के नील भाई खेतिया नील भाई खेतिया सुना ये जो दुख भर बतिया नील भाई खेतिया सुना ये जो दुख भर बतिया नील भाई खेतिया सुना है जो
बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है यह गीत भी आप लोगों को पसंद आया होगा। गुंजन बहुत पसंद आ रहा है, बहुत धन्यवाद गुंजन। पृथ्वीराज भाई है, पृथ्वीराज भाई को अरे नमस्कार नमस्कार नमस्कार। पृथ्वीराज भाई है, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज भाई हमारे साथ होने के लिए। अब ये जो गीत है ये भी एक भोजपुरी गीत ही है। ज्यादातर मैं काम अपने लोग गीतों पर ही करता हूँ, ज्यादा नहीं कम ही करता हूँ। ज्यादातर लोग बहुत कुछ करते हैं भोजपुरी, मैं बहुत थोड़ा बहुत ही करता हूँ। तो इस गीत की खासियत यह है कि इस गीत को बनाया ही गया था केवल गिटार बजाने के लिए। हमने बस उसी पर गाया, शुरू से ही गाया और आज भी उसी पर गाया जाता है और बुद्ध भाई बजाते हैं गाते हैं। और यह गीत, इसकी आत्मा और इसका भाव यह है कि एक घर का, एक परिवार का एक युवा, एक जवान बेटा मर जाता है और उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल जाती है और घर में जो लोग तड़प रहे हैं दुख से कातर, जो मर जाता है वो तो चला जाता है, छूट जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जो रह जाते हैं पीछे वो उस दुख को झेलते हैं। तो झेलते हुए दुख को पिता, माता, भाई, बहन, वो आत्मा देख रही है कि ये सब तड़प रहे मेरे लिए, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे अब जाना ही होगा। तो एक तो पिता की तरफ से, फिर भाई की तरफ से, फिर आत्मा, तीनों तरह के एक आपस में बातचीत की तरह है। आप सुनिए, हिंदी भाषी जो लोग हैं वो निश्चित रूप से समझ भी जाएंगे, शब्द इतने ज्यादा कठिन नहीं है। सॉरी घरवा भूला गई, घरवा भूला गई कि दुपरा भर बाबू ए बबुआ रुक जा दू चार दिन, घरवा भूला गई कि दुपरा भर बाबू ए बबुआ रुक जा दू चार दिन, बबुआ रुक जा चार दिन बबुआ रुक जा तू चार दिन। इसमें थोड़ा सा आपको बंगला और बंगाल के लोकगीत बाउल का भी असर मिलेगा, क्योंकि तो इसी भैरवी भैरव में हम लोग भी गाते हैं और बाउल लोग भी गाते हैं। मनमाना ही भरतों से पिता कहते हैं, मनमाना ही भरतों से देख बिना ही झबले तोरा मन भर के, गांव घर के लोग पूछे बबुआ का तुम सरकार माई के कोरा खोजे, माई के कोरा खोजे बबुआ के घर घर में, अखिया के लोर के घर पोछरा से और छत के चावल, और छत के चावल तकीर के भैल बबुआ रुक जा तू चार दिन राम, रुक जा तू चार दिन राम। धन्यवाद भाई, बढ़िया लागल दीप। दीदी के बाद कहा जा रहा था, कैसे दी विदाई बोले, कैसे दी विदाई बोले भैया मर के अपना मुहावा से,
राखी लेके घर में ताके दीदी रखता अपना बबुआ के कैसे छोड़ाई कैसे छोड़ाई अपना के अंगना में नागल अपना करमवा हे अपना करमवा वापस के पहिले आओ हे बबुआ से जाके चाहे हे बबुआ से जाके चाहे दी मेरा घरवा भूला गई घरवा भूला गई चार दिन दो चार दिन बबुआ दो चार दिन रुक जा तू चार दिन रुक जा तू चार दिन पंकज बोल रहे हैं बहुत बढ़िया सर धन्यवाद पंकज भाई धन्यवाद शिवराज भाई सबसे अच्छा लागल गीत है बबुआ रुक जा तो चार दिन धन्यवाद पृथ्वीराज भाई गीत के कहा जा रहा हूँ थैंक यू स्वाति स्वाति जी बोले योर रॉक गाइस थैंक यू वेरी मच स्वाति पृथ्वीराज भाई जे गीत में जितना जीव भाव के उगेलर जाए भाव सही जीव तो जन्मे कटला जितना देर जाए उतना सुस्वादु हरा लेकिन हमनी को हमनी के बस में नहीं के हमनी के हम हर समय ये नहीं कर पाते क्योंकि संगीत और साहित्य में जो घी होता है वो अपने हाथ में नहीं होता वो बनता है बन के कब निकलता है कहाँ पड़ता है कहना बड़ा मुश्किल है सही जगह पड़ गया तो खुशबू नहीं तो बर्बाद तो चलिए इसके साथ इस थोड़ी उदासी की मुद्रा को और भाव को काटते हुए मैं अभी गीत पर जाता हूँ और वह समय भी तकरीबन जा रहा है थोड़ा जल्दी से इसलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं एक एक पैराग्राफ इसका सुना के फिर आगे का अंतिम चरण पे जाएंगे ये थोड़ी चुहल वाला गीत है हमारे यहाँ ऐसी चुहल की बातें शादी ब्याह सभी को महिलाएं लड़कियां गाती हूँ भरा कवरिया में हमारा के बाबू मनवा भैलवा बहुत बेकार हरा कवरिया में हमरा के बाबू मनवा भैलवा बहुत बेकार हरा कवरिया में हमरा के बाबू मनवा भैलवा बहुत बेकार चाहे सरपंच चाहे मुखिया बोला दा बैठ गाने कर के खेतन रखा दा चाहे सरपंच चाहे मुखिया बोला दा बैठ गाने कर के खेतन रखा दा केहू हमारे बिहार नहीं पाई
अब मेघदूत से कुछ सुनाइए ना। हाँ यही हम लोग का अंतिम हमारी अंतिम प्रस्तुति होगी। आप सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग भी जुड़े हैं, जो जुड़े नहीं हैं शायद बाद में भी देख पाएंगे, आपके आपके कमेंट्स और आपके आपके सत्कार और आदर और सम्मान से जो कुछ भी आप कहेंगे हम स्वीकार करेंगे। मेघदूत मैंने मेघदूत कालिदास के मेघदूत का ये छंदों में हिंदी में रूपांतर किया था और राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित भी हुआ है। तो मेघदूत के छंद जैसे कि हम दोनों दोस्त बैठते हैं तो कभी इनकी कभी हम सुनते रहते हैं या हम कुछ लिखते हैं मुझे सुनाते हैं कि हमारे क्या बताया जाए आपसी विनिमय का तरीका है समझने का सीखने का। तो अचानक से प्रबुद्ध को उसमें एक संगीत नजर आने लगा, वो हठात अपने विकार लगा लेकर और कुछ यंत्र लेकर बजाने लगे और किसी ने गीत बनाए थे बन भी गया है आप तक कभी कभी पहुंचेगा भी पूरे रूप में पूर्ण रूप में। उसी के कुछ अंश को एक साथ लाकर हम आपको सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये छंदों में कालिदास के मेघदूत के यक्ष की व्यथा और यक्ष की व्यथा के साथ मेघों का संवाद आपको प्रस्तुत करें। या फिर
जगत के दूषण से है तुम्हारा जल्दी मेरा कर छोटा अपने छोटे उस प्रियतम को भी हार गया। मैं यक्ष हुआ शापित जब से मेरे जीवन का हार गया। कहते हैं भाग्य मनुष्य का, कहते हैं भाग्य मनुष्य का, टूटे जब एक न चलता है अपनी ही आंखों के आगे सब कुछ विपदा में चलता है। हर ओर दिशाएं गुमसुम है, आवाज से सदियों से आवाज भी चली नहीं, लगता है विपदा चली नहीं। निश्चित सा ये परिवेश खड़ा, सब में लगता आवेश पड़ा, क्यों हम आए मन में तुमसे वंचित इस जीवन में, तुमसे वंचित इस जीवन में। तारों के अंतिम दीपों पर क्या कुल पतंग सा मर रहा था, तारों के टिमटिम दीपों पर क्या कुल पतंग सा मर रहा था। ये मेरा ही है इससे उससे ठोकर खाता, मैं विह्वल हूँ मैं पागल हूँ ऐसा कहकर हंसते हैं मुंह, मैं विह्वल हूँ मैं पागल हूँ ऐसा कहकर हंसते हैं मुंह, कैसे मैं समझाऊं इनको अपनी वेदना का विषय हो। करुण रुदन या अट्टहास, ओ करुण रुदन या अट्टहास, मेरे लिए दोनों ही विलास, एकांत है मेरा और तुमको सब बोल रहे बस तुमको, बस तुमको। सपनों की छत पर झूल रही तेरी छवि जैसे बोल रही, मैं यहाँ नहीं मैं वहाँ नहीं, पर यही कहीं
कुछ अपनी इस व्यथा को गाते भी है और दिखाते भी है। जब आषाढ़ का मेघ उनको दिखता है तो आषाढ़ के मेघ को देखकर उनके मन में आशा बनती है कि उनका संदेश ये उसकी प्रियतमा यक्षिणी को हिमालय की अलका नगरी तक जाकर पहुंचाएगा। अब हिमालय यहाँ तो है नहीं, कालिदास के मेघ कहीं मध्य देश से निकले थे तो मालवा आम्रकूट के पर्वत वन आमों के जंगल पेड़ विदिशा की जमीन बेत्रवती जिसको उन्होंने बेतवा रिवर कहा है नदी बेत्रवती नदी गंभीरा नदी फिर विंध्या की धारा सब की तुलना करते जाते रूपक बड़े बड़े अद्भुत रूपक थे कालिदास के। देखो कोई दिशा बता रहे यह रास्ता पकड़ के तुम जाना तो अलका पहुंचाओगे अलका नगरी। अब मेघ चंबल नदी पार करते ही चंबल के उस पार एक दशपुर की बस्ती है जहाँ की युवतियों ने नारियों ने शायद कालिदास को बहुत ही आकर्षित किया था। कालिदास भूल भूल प्रशंसा करते हैं अपने मेघ दूत में दशपुर की बस्ती के नारियों का और उसी आकर्षण को उसी नारियों को उसी सौंदर्य को दो बंधों में दो छंदों में हम गाने की कोशिश कर रहे हैं। दशपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार चंबल के उस पार दशपुर की सुंदरियां बसती चंबल के उस पार चंबल के उस पार भंवरों के झुर से सुंदरिया बसती चंबल और चंबल के चंचल पलकों के घेरे में चंचल पलकों के घेरे में चमके पुतलियां ताली गतिशील दांतों के अंकल मादक सी मधुवाली मादक सी मधुवाली दशपुर की सुंदरिया बसती चंबल के पार चंबल के भावरों के छुड़ से ओत प्रोत दुन के चंबल में हार उनके दशपुर की सुंदरिया बसती चंबल के पार चंबल के पार धन्यवाद प्रबुद्धो भाई को। शख्स की हर तड़प हर पीड़ा हर वेदना को मृत्युंजय आपके शब्द और प्रबुद्ध आपके सुरों ने जीवंत किया है। स्वाति जी बोल रही है थैंक यू स्वाति जी आपके ये आपका यह आशीर्वाद समझेंगे हम लोग सरकार सम्मान तो है ही हमारे साथ रहेगा। आप शुद्ध प्रांजल हिंदी की मिठास पृथ्वीराज भाई अब आप जैसे मनीषी हो तो आपके आपको अच्छी लगी है हमारी कविता हमारा गीत गीतबद्ध की भी कविता मुझे बहुत खुशी है हम दोनों को और ये जब आएगा आपके सामने तब आप लोग पूरा का पूरा सुन पाएंगे शायद डांस ड्रामा के रूप में भी है या केवल संगीत के रूप में। इसके साथ ही मैं आप सब श्रोताओं को आप सब दर्शकों को अपनी तरफ से प्रबुद्ध की तरफ से दोनों अपने दोस्तों की तरफ से संगीत भरा नमस्कार फिर से धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए। आजकल समय बड़ा कम होता है लोगों के पास उसमें थोड़ा समय निकालकर आपने हमें दिया हमारे साथ शेयर किया बहुत खुशी धन्यवाद।